एनी गेसेस कि आज क्या होने वाला है? कोई आइडिया? कोशिश करो, तुक्के मारो। हाँ वो तो बदलेगी। मैं पूछ रहा हूँ कि टॉपिक क्या है। मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटीड सक्सेस है, कि मतलब सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। उसके बारे में मैं आज आप सबसे बात करने वाला हूँ। Are you all excited? Yes or no? तो अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ प्रैक्टिकली आपको यहां पर करके दिखाऊंगा और फिर उसको ध्यान से देखना। उसके बाद में मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछूंगा। देख लिया सबने? ओके, कुछ लोग डर गए। आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि जो अभी अभी मैंने किया ये करना उनके लिए मुश्किल है? सब सच बोलो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बोलना है आसान है। यहाँ पे सब बोल रहे हैं तो मैं भी बोलूँगा आसान है। जेन्युइनली जो अंदर से लग रहा है, आंटी आप तो अपना हाथ ऊपर कर लो, आप तो मेरी मम्मी की एज के हो, आप कहाँ करोगे ये? मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरी मम्मी ये कर रही है, बहुत अजीब हो जाएगा। तो कितने लोगों को लग रहा है कि मुश्किल है, जिनको लग रहा है कि वो नहीं कर सकते? हाँ, बहुत सारे लोगों को। ओके, कितने लोगों को लग रहा है कि ये आसान है और वो अभी इसको कर सकते हैं? यहाँ पर बहुत लोगों को लग रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसमें से जितने भी लोगों को लग रहा है, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ कभी ट्राई नहीं किया? कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि आसान है लेकिन ट्राई नहीं किया? हाँ, लग रहा है। आप आ जाओ स्टेज पे, आपने हाथ ऊपर किया था, आ जाओ आ जाओ। और कितने लोगों को लग रहा है? हाँ, आप भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर देम। तो आप सबने देख लिया मैंने क्या किया था और आप लोगों को लग रहा है कि आप ये कर सकते हो। सिर्फ दो छोटी छोटी सी कंडीशंस हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। पहला कि आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, जैसे मैंने किया वैसे ही करना है, क्योंकि मैंने वही पूछा था। मतलब कि आपके जो घुटने हैं वो सीधे रहने चाहिए, बैक सीधी रहनी चाहिए, हाथ ऐसे रहेगा, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब आप वहाँ नीचे पहुँच रहे होगे तब हाथ आगे आएगा। तो मतलब ऐसे नहीं करना, ठीक है, क्लियर है? हाथ मतलब ऐसे नहीं गिरना, ऐसे तो कोई भी कर लेगा। हाँ, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, बैक सीधी और बिल्कुल स्ट्रेट आप जाओगे। और ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि आप लोगों के जो दांत है, एक बार हंस के दिखाएंगे। अच्छा, आप हाँ बड़े अच्छे हैं, आपको देख करके तो लग रहा है ब्रश भी करके आए हैं, क्या बात है। सो, दूसरी कंडीशन ये है कि आपके जो दांत हैं आगे के दो, ये बाहर नहीं आने चाहिए। पॉसिबिलिटी है, कोई डॉक्टर है क्या यहाँ पर? डॉक्टर जिसका अपना क्लिनिक हो? क्लिनिक है किसी का? हाँ, कोई डॉक्टर जिसका अपना क्लिनिक हो? हाँ, आपका है। तो आज आप क्लिनिक में तो नहीं गए होगे, सुबह नहीं गए ना, यहाँ पर आए ना सीधा, तो आपकी बोनी होने वाली है। मिल गए आपको, दो तीन मिल गए, तैयार रहना। ओके, सो ये क्लियर हो गया आपको कि क्या करना है। और मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूं कि ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। अगर आप इंटरनेट पे जा करके पढ़ेंगे तो हजारों लोगों के दांत टूट चुके हैं ट्राई करते करते, किसी के हाथ पैर टूटे हैं, किसी की नाक फूटी है, कुछ भी हो सकता है। तो जितना हो सके, जैसे हो सके वैसे ही करना। चलिए करें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर, हाथ ऐसे यहाँ पर टिके हुए, चिपके हुए, ये सीधा, बैक सीधी, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जब यहाँ जाओगे तब हाथ आगे आने चाहिए, ठीक है? हाँ, कम ऑन। ओ नहीं 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 नहीं, आप करेंगे, ट्राई करेंगे। हाँ, हाथ सीधे ऐसे, अगर नहीं हो रहा तो रहने दीजिएगा, ठीक है? आप देख लो, आराम से देख लो, लग सकती है, सीरियसली लग सकती है इसमें। हाँ, लगी तो नहीं? यो ओके, ओह ये फाइन, लग गया भैया। बहुत
ऐसा लग रहा है इंडिया टूर नहीं फियर फैक्टर चल रहा है। हाँ ओके 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 हाँ आपकी बारी। वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लगी तो लेना किसी को थोड़ा सा लगा है कहीं नहीं फर्स्ट एड किट है यहाँ पर। बाल बाल बचे ये लोग इसमें से एक दो तो। सो यहाँ पर अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना। अभी अभी आपने दो रास्ते देखे हैं, दो एक्सट्रीम सिचुएशंस देखी हैं और वो दोनों ही गारंटीड फेलियर की तरफ जा रही है। दोनों पर गारंटीड फेलियर है और 90% से ज्यादा लोग इस पूरी दुनिया में जाने या अनजाने इन्हीं दोनों रास्तों पर चल रहे हैं। अब ये क्या है इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल देता हूं। आप इमेजिन करो कि यहां पर एक स्विमिंग पूल है बड़ा सा और एक तरफ डीप वाटर है एक तरफ शैलो वाटर है। यहां पर उस स्विमिंग पूल के साइड में तीन लोग बैठे हुए हैं और बैठ करके अपने अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हैं। जो पहला आदमी है वो सोच रहा है मन ही मन कि यार ये स्विमिंग करने का मन तो है मेरा बहुत। अब देखो यहां पर ना सक्सेस और फेलियर की भी मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं कि वो क्या है। इन तीनों का ही डिजायर है, बर्निंग डिजायर है कि हमको स्विमिंग करनी है। तो कोई भी ऐसा काम जो आप अपने पूरे दिल से करना चाहते हैं और उस काम को कर ले तो वो क्या है? सक्सेस है। और अगर आप करना चाहते हैं अपने पूरे दिल से और उस काम को ना कर पाए मरते दम तक तो वो क्या है? फेलियर है। सो सिंपल। तो ये तीन लोग हैं यहां पर जो आराम से देख रहे हैं लोगों को स्विमिंग करते हुए। और पहले वाला जो बंदा है वो मनी मन सोच रहा है, कह रहा है कि यार ये जो कर रहे हैं ये देखने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, पता नहीं कैसे कर पा रहे हैं, इतना गहरा पानी है, ऊपर रह कैसे पा रहे हैं, मैंने कई बार ट्राई किया मैं नहीं रह पाता। और उसका मन तो कर रहा है लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक डर है कि अगर मैं गया और डूब गया तो क्या होगा, कोई मुझे बचाएगा भी या नहीं बचाएगा, चलो मेरा तो जो होगा सो होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। और उसने मरते दम तक कभी भी ट्राई ही नहीं किया स्विमिंग करने का। तो ये रास्ता कहाँ जा रहा है? गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी जड़ क्या है कि स्विमिंग करना मुश्किल है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चीज़ बैठी हुई है, तभी सारे के सारे डर है ना। तो उसके दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है और वो मुश्किल धीरे धीरे नामुमकिन बन गया, मुश्किल की हज़ार वजह उसके सामने आ गई और उस डर की वजह से वो बंदा पैरालाइज हो गया, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही एक्शन लेने की। दूसरा वहाँ पर जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसने देखा वहाँ पर लोगों को स्विमिंग करते हुए और देख करके वो मनी मन सोच रहा है, कह रहा है इसमें क्या बड़ी बात है, गहरे में देख रहा है लोगों को स्विमिंग करते हुए, उसको स्विमिंग आती नहीं है, करना है डिज़ायर है, लेकिन देख करके बोल क्या रहा है इसमें क्या बड़ी बात है, हाथ पैर ही तो हिलाने हैं, इनसे अच्छा तो मैं कर लूँगा। जैसे आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा कि अपने दोस्तों के साथ में बैठ करके क्रिकेट मैच देख रहे हैं और एक बंदा ढंग से बैटिंग नहीं कर रहा, मतलब उसे दो तीन बॉल मिस हो गई और सामने से आपका एक गोलू मुल्लू सा दोस्त बोल रहा है, कहता है यार ये क्या खेल रहा है, इससे बढ़िया तो मैं खेल लूँगा। होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस। तो वही हुआ उसके साथ में कि उसने देखा और देख करके उसने अपने दिमाग में बोला ये क्या है, संदीप महेश्वरी बोलता रहता है आसान है आसान है आसान है। वो खड़ा हुआ अपनी जगह से, जा करके उसने सीधा जा करके छलांग लगा दी गहरे पानी में। अब इस बंदे का क्या होगा बताने की जरूरत है? गारंटीड या तो डूबेगा, डूबा तो मरा, या अगर किसी की नजर पड़ गई तो उसको उठा करके बाहर रखेंगे और पूछेंगे भाई क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, क्यों किया ये सब। और ये भी रास्ता गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है क्योंकि जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे बिना एक काम को सीखे कि करना कैसे है हम सीधा जा करके गहरे पानी में छलांग लगा देते हैं। ये दो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, एक तरफ तो हमारे दिमाग में एक डर बैठा हुआ है, एक तरफ इतनी जल्दीबाजी है कि बिना सोचे समझे हम एकदम से छलांग लगा रहे हैं। यहां पर भी मरे ही मरे क्योंकि अगर वो बंदा बच भी गया उसको किसी ने बचा भी लिया तो जिंदगी भर के लिए उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि मैंने स्विमिंग करी थी मैं नहीं कर पाया, डूबते डूबते बचा, अब मैं कभी ट्राई नहीं करूंगा। ना तो वो स्विमिंग ट्राई करेगा ना ही कुछ और ट्राई कर पाएगा क्योंकि बार बार उसको अपना वो फेलियर याद आएगा कि यार जो मेरे साथ स्विमिंग में हुआ था वो कहीं यहां भी ना हो जाए, वो डर हमेशा के लिए उसको अंदर ही अंदर खाता रहेगा। तो ये दोनों रास्ते कहां जा रहे हैं? फेलियर की तरफ, गारंटीड फेलियर की तरफ।
इन दोनों के बीच में, इन दो एक्सट्रीम सिचुएशंस के बीच में एक सिंपल सा रास्ता जा रहा है जो सक्सेस की तरफ जा रहा है। मतलब कि जो तीसरा लड़का बैठा हुआ है उसने क्या किया, उसने देखा वहां पे लोगों को स्विमिंग करते हुए, ना तो वो डरा, उसने कहा कि यार जब ये लोग कर सकते हैं जो बिल्कुल देखने में मेरे जैसे हैं, इनकी भी दो आंखें हैं, दो हाथ है, दो पैर हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं। लेकिन सीधा जाकर के उसने छलांग नहीं लगाई गहरे पानी में, उसने जाकर के उन लोगों से पूछा जो स्विमिंग जानते हैं, उनसे समझा कि स्विमिंग आपने कहां से सीखी थी, कैसे शुरुआत करी थी। उन लोगों ने इशारा किया कि अभी हम यहां कर रहे हैं गहरे पानी में, लेकिन हमने शुरुआत वहां से करी थी। हर आदमी की शुरुआत तो शैलो वाटर से ही होती है ना। और उस बंदे ने उस बात को समझा, सीखा और शैलो वाटर में गया, और अब वो प्रैक्टिस कर रहा है जो भी उसको बात समझ आई, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और क्या यहां पर उस शैलो वाटर में उस बंदे के लिए कोई रिस्क है, कोई डर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? यस और नो? कोई डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पैर जमीन पर है। सो सिंपल। तो उसने क्या किया, जा करके शैलो वाटर में स्विमिंग को करना सीखा। धीरे धीरे ट्राई करता रहा, करता रहा, करता रहा, उसको स्विमिंग आ गई। अभी भी डीप वाटर में जा करके सीधा सेंटर में नहीं गया वो, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरी टक्कर हुई तो डूबा तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। तो वो साइड साइड में स्विमिंग कर रहा है गहरे पानी में, शैलो में सीखने के बाद में, ताकि अगर कभी डूबा तो पास में रॉड है जिसको पकड़ा जा सकता है, बचा जा सकता है। जब वहां पर एक्सपर्ट हो गया तो वो कहां गया, गहरे पानी में। किसने रोका है? अब उसको आ गई है स्विमिंग। अब उसके लिए स्विमिंग करना जो पूरी दुनिया के लिए हवा है, डर है, उसके लिए क्या है? आसान है, खेल है, बच्चों का खेल है। कितने लोगों को स्विमिंग करना आता है? किसी को भी मुश्किल लगता है? No. नहीं लगता। यस और नो? और जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत बड़ा हुआ है कि भाई कैसे करूं, क्या करूं, ये लोग कैसे कर पा रहे हैं, मेरे से तो होता ही नहीं है, मैं बड़ी कोशिश करता हूं। ऐसी ऐसी चीजें आती है माइंड में। तो अब वो गहरे पानी में स्विमिंग कर रहा है तरह तरह से, और अपने आप ही सीखता चला जा रहा है। कभी सीधी स्विमिंग, कभी उल्टी स्विमिंग, कभी डाइव मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और जब वो एक्सपर्ट हो गया और अभी भी उसका कोई डिजायर है कि और आगे बढ़ूं, तो क्या अब वो यहां से निकल करके एक बड़ी और गहरी नदी में स्विमिंग कर सकता है? यस और नो? यस। अगर वो चाहे तो कर सकता है, क्योंकि अब वो स्विमिंग सीख चुका है जो दुनिया के लिए देखने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने इतनी प्रैक्टिस करी है वहां पर कि उसके लिए नदी में स्विमिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे लहरों के साथ तैरना हो, चाहे लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना हो, उसके लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो कितना मजेदार है कि ये सारी बातें हम सबको पता है, हम सबको पता है, क्योंकि हमने कोई भी स्पोर्ट्स खेलना सीखा है तो वो बिल्कुल ऐसे ही सीखा है। स्विमिंग किसी ने भी सीखी है, सबने यही किया है। वो एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि उसने जाकर के छलांग लगा दी। कोई छलांग लगाता है क्या स्विमिंग सीखने के लिए? नहीं। तो स्पोर्ट्स में हमको ये बातें याद रहती हैं, हर तरह के स्पोर्ट्स में हमको ये बातें याद रहती हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस में आकर के हम इन सब बातों को भूल जाते हैं। और जाने अनजाने एक ऐसे ट्रैक पे निकल जाते हैं जो गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है, जिसको हम देख ही नहीं पाते। और जब तक देखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक या तो डूब चुके होते हैं या फिर खेल खत्म हो चुका होता है। इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं, यही जो लोग आप में से बैठे हुए हैं ना उसी से रिलेटेड, ताकि आप उसको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे रियल लाइफ में अब क्या हो रहा है। मैंने भी आपको एक स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल दिया। आप में से कितने लोग हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स हैं, या तो स्कूल में या कॉलेज में, या जॉब कर रहे हैं, पूरा सुन लो, या जॉब कर रहे हैं और आगे जा करके अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, और सिर्फ चाहते नहीं है, उनका बर्निंग डिजायर है कि मुझे हर हालत में अपना बिजनेस करना है, एक ना एक बार ट्राई जरूर करना है। कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक सच बात बताऊं आप लोगों को, सुनने में थोड़ी सी कड़वी लगेगी लेकिन सच है, क्योंकि जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं तब तक हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाएंगे। तो सच बात यह है, बेस्ड अपॉन थाउजेंड्स ऑफ सर्वेज एंड रिसर्चेस वर्ल्ड वाइड, ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जहां से डेटा निकल करके आया है, और उस डेटा के बेस पे मैं आपको ये बात बोलने वाला हूं कि अभी जितने भी लोगों ने हाथ ऊपर किया था, बहुत लोगों ने किया था, मोर देन 80%, एक बार दोबारा करेंगे, इनका बर्निंग डिजायर है कि बिजनेस करना है। कड़वा सच ये है
कि आप में से जितने भी लोगों ने अभी अपना हाथ ऊपर किया है 90% से ज्यादा लोग गारंटीड फेल होने वाले हैं, गारंटीड फेल होने वाले हैं। सोचो, किसी को लग रहा है, एक को भी लग रहा है कि मैं फेल होऊंगा? अगर लगता तो वो हाथ ही ऊपर क्यों करता, वो डिजायर उठता ही क्यों उसके अंदर? अच्छा, आपको लग रहा है और आप फिर भी करोगे? ये बात दबंग 3, वेरी गुड। तो सबको लग रहा है कि हम सक्सेसफुल होंगे, हम तैर पाएंगे, लेकिन डूब जाएंगे। क्यों? वजह क्या है? और बताऊं किस तरह से फेल होंगे? आप में से जिन्होंने अभी हाथ ऊपर किया था, आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे, और ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी है जिसके बेस पे मैं ये बात कर रहा हूं, कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल है। आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो मरते दम तक बिजनेस करने का कभी ट्राई ही नहीं करेंगे। मतलब कि वो फेल हो जाएंगे। इसलिए नहीं कि उन्होंने किया और फेल हो गए, इसलिए कि उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया, वो डिजायर उनके अंदर ही चला गया। बाकी के जो 50% लोग बचे, उसमें से भी 80% से ज्यादा लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि, अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि वो बिना सीखे कि बिजनेस क्या है, बिना समझे कि बिजनेस क्या है, बिना लर्निंग पे फोकस किए, अर्निंग को ध्यान में रख करके बड़ा से बड़ा स्टेप उठाएंगे और बुरी तरीके से फेल होंगे। मतलब सीधी उस गहरे पानी में जाकर के छलांग लगाएंगे, गारंटीड, गारंटीड। और अपने आसपास में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे लाखों लोग नजर आ जाएंगे जो यही गलती बार 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 कर रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ किस तरीके से। मुझे पता नहीं कितने लोग ऐसे मिल चुके हैं जो जब भी कभी मैं कहीं किसी फंक्शंस में जाता हूँ या ये Q&A सेशंस होते हैं, अलग अलग जगह पर लोग मिलते हैं, तो लोग ज़्यादातर अपनी कहानी सुनाते हैं कि भाई देखो, मेरा ये ड्रीम था ये बिज़नेस करने का, और मैंने अपनी सारी की सारी सेविंग्स, जो भी मैंने जॉब में से कमाई थी, वो सारी ले आकर के उस बिज़नेस में लगा दी। कोई कहता है मैंने लोन लिया, कोई कहता है मैंने लोगों से पैसा उधार लिया, कहता आइडिया भी बढ़िया था, मुझे लग भी रहा था मैं कर लूँगा, लेकिन मैं कर नहीं पाया, मैं बुरी तरह से फेल हो गया, अब मैं क्या करूँ बताओ। एंड में वो पूछते हैं, अब मैं क्या करूँ बताओ? मैं कहा अभी बताता हूँ, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने बिज़नेस करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कि आपने बिज़नेस करना कहाँ से सीखा? जो मैंने स्विमिंग का एग्जांपल आपको दिया था, उसने जा करके छलांग लगा दी और वो डूब गया, तो उससे बंदा क्या पूछेगा कि भैया स्विमिंग करनी आती थी या नहीं? नहीं आती थी तो क्यों कूदा? तो मैं लोगों से पूछता हूं, मैंने कहा बिजनेस करना कहां से सीखा? कहीं छोटे लेवल पे प्रैक्टिस करी बिजनेस करने की? सीधा जाकर के 10 लाख रुपए लगा दिया, 20 लाख रुपए लगा दिया क्योंकि आइडिया अच्छा है? क्या मतलब है? कहीं से समझा? किसी ने आपको गाइड किया? कोई बंदा जो सक्सेसफुल हुआ हो, या अपनी दादी और नानी के साथ में बैठ करके प्लान डिस्कस किया? किसके साथ डिस्कस किया भाई? किससे सीखा ये तो बता दे, कहां से सीखा, कैसे सीखा? किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, दे डोंट हैव एनी क्लू, बिलीव मी। बार बार वो घूम फिर के आ जाते हैं, यार लेकिन आइडिया तो ऐसा था, मेरा प्लान तो ऐसा था। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, मुझे समझ आ रहा है, मैंने कहा बता भाई सीखा कहां से? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपको चेस खेलना आता नहीं है। इमेजिन करो, आपको चेस नहीं खेलना आता, आपको यह नहीं पता कि जो हाथी है वो सीधी चाल चलता है, जो ऊंट है वो टेढ़ी चाल चलता है। आप हाथी को टेढ़ा चला रहे हो, ऊंट को सीधा चला रहे हो, और जा करके एक चेस कॉम्पिटिशन में बैठ गए एक ऐसे खिलाड़ी के सामने, एक ऐसे कॉम्पिटिटर के सामने जो सालों से चेस खेल रहा है। बिजनेस में, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, चेस से रिलेट करो, बिजनेस और चेस में ज्यादा फर्क नहीं है। एक ऐसे कॉम्पिटिटर के सामने बैठ गए, एक ऐसे खिलाड़ी के सामने जो एक्सपर्ट है चेस के अंदर। आपने घर में भी चेस नहीं खेला, आपको पता ही नहीं चेस है क्या, बस आपको लग रहा है कि मैं उसको हरा दूंगा, और वहां पर आपका मजाक बन रहा है, लोग हंस रहे हैं कि भाई ये कर क्या रहा है, कैसा बिजनेस कर रहा है, कह रहा है प्रोडक्ट बिक जाएगा बिक जाएगा बिक जाएगा, कोई मार्केटिंग प्लान ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कैसे बिक जाएगा, कहां से आएंगे कस्टमर, हवा में से आएंगे? 1 लाख प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे, अरे 1 लाख छोड़ तू, एक बता कैसे बिकेगा, बता। जैसे एक बड़ा मजेदार सा एक इंसिडेंट हुआ था अभी कुछ महीने पहले, करीबन 4-5 महीने पहले, हमारे फैमिली में एक फंक्शन था, वहाँ मेरा एक कज़न मुझे मिला और उसने अपना पूरा केस बताया। मेरे जो अंकल हैं, मतलब कि उसके पापा,
उन्होंने बताया था कि किस तरीके से इसको बिज़नेस में लॉसेज हुए, अंकल ने कैसे अपनी कमाई उसमें बिज़नेस में लगाई, क्या क्या हुआ। तो मैं बैठा रहा एक घंटे तक, सुनता रहा आराम से बैठे बैठे। मैं अपना डोसा खा रहा था, मेरे को डोसा खाने का कभी शौक नहीं। मैं हाँ बोलता रहा तो अपनी पूरी बड़ास निकाल ले, भैया मैंने ये किया, भैया मैंने वो किया, भैया मेरा ये प्लान था, भैया मेरा वो प्लान था, ये था वो था वो था, सारा कुछ जब उसने ख़त्म कर लिया अपनी पूरी रामायण। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तूने बिज़नेस करना कहाँ से सीखा, बता तो सही, कहीं से सीखा होगा। तो हंसने लग गया, कहता भैया कैसी बातें कर रहे हो, कहता मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा तो कहता मैंने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अकाउंट्स पढ़ी है। मैं कहा तूने पढ़ी है बिजनेस स्टडीज़, 11th क्लास में पढ़ी है? कहता हाँ पढ़ी है। मैंने कहा एक बिजनेस की डेफिनेशन थी करीबन 10 लाइन की, जो तूने उस टाइम पर रट्टा मारा होगा, तेरे को याद होगी, सुना मुझे, याद है कि क्या है बिजनेस? अरे तेरे को डेफिनेशन तक याद नहीं है? तो मैं भाई रट्टा लगाने की बात नहीं कर रहा, मैं सीखने की बात कर रहा हूं, और ये दोनों चीजें एक दूसरे से अपोजिट हैं, दोनों चीजों का आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। जब भी मैं अपने किसी सेशन में बोलता हूं ना, लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पे नहीं, तो बहुत सारे लोगों को पता है क्या गलतफहमी हो जाती है, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को हुई हो, उन्हें लगता है कि मैं स्कूल्स की बुक्स की बात कर रहा हूं, कॉलेज की बुक्स की बात कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं ना कि अर्निंग हमेशा फ्यूचर में है, लर्निंग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे है, लर्निंग पे फोकस करना है, अर्निंग पे नहीं। अब ये लर्निंग क्या है, इसमें तीन सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, सिंपल ऑब्जर्वेशन। क्लियर है कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा उन लोगों को जो उस काम को कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो, सिंपल। जब तक आप ऑब्जर्व ही नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अपने माइंड में कुछ और सोच रहे हैं, माइंड में कुछ और ही बोल रहे हैं। मतलब कि अगर आप मुझसे कुछ भी सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको मुझे ऑब्जर्व करना होगा, मुझे सुनना होगा, लिसन करना होगा। और हमारी आदत क्या है इससे बिल्कुल अलग है, कि सामने से कोई कुछ बोल रहा होता है और अपने माइंड में कुछ ही कुछ सोच रहे होते हैं, मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन पावर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर इस लिसन वर्ड को आप ध्यान से देखोगे तो ये निकला है साइलेंट वर्ड से, SIL, उसको उल्टा कर दो बन गया LIS, जो एंड में आ रहा है ENT उसको आप घुमा दो, उसको कर दो TEN, क्या बन गया, लिसन। तो आप तब तक नहीं सुन सकते जब तक कि आपका माइंड पूरी तरीके से साइलेंट ना हो, सो सिंपल। सो ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या करना होगा, किसी भी चीज को अगर करना सीखना है तो, क्रिकेट खेलना सीखना है तो क्या करना होगा, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलना है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर्स को ऑब्जर्व करना होगा। बिजनेस करना है तो बिजनेस जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग फेल हो रहे हैं, उन दोनों को ऑब्जर्व करना होगा, दोनों से सीखना होगा और फिर बिजनेस को करना होगा, सिंपल। तो पहला स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, अंडरस्टैंडिंग, कि जो ऑब्जर्व किया उसको समझना भी पड़ेगा भाई, कि क्या ऑब्जर्व किया, कि अगर बिजनेस करना है तो दोनों तरह के लोगों को ऑब्जर्व किया, जो सक्सेसफुल हैं और जो फेलियर्स हैं, बारीकी से ऑब्जर्व किया, किस चीज को ऑब्जर्व किया, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व किया, कि वो क्या करते हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो किस तरह से बोलते हैं, और उनके थॉट्स को ऑब्जर्व किया कि वो किस तरह से सोचते हैं, उनका इस दुनिया को देखने का नजरिया किस तरह से अलग है उन लोगों से जो फेल हो रहे हैं, क्या फर्क है इन दोनों के नजरिए में, फर्क होता है, यस और नो? तो उसको आपने ऑब्जर्व किया। अब वो कैसे करोगे, जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो उसमें आपको क्या करना है, जा करके उनकी बुक्स को पढ़ना है, उनकी ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ना है, उनकी वीडियोस को देखना है, उनको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है। जब आप ऑब्जर्व करोगे उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग का लेवल आता है, आपको समझना है कि इसमें से जो भी ये सही कर रहे हैं उसमें से क्या है जो आज आप अपनी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है वो सब कुछ जो वो आज कर रहे हैं वो सब आप आज अपनी सिचुएशन में अप्लाई कर पाओ।
तो जैसे ही आपको ये बात समझ आई, अब आता है तीसरा स्टेप कि आपको उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है छोटे से छोटे लेवल पे, मतलब कि उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर हम अप्लाई ही ना करें, प्रैक्टिस ही ना करें, तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, कोई अंत नहीं है, सुनते रहो। मतलब कि अगर मेरे ये सेशन आप देख रहे हो, इसमें हजार बातें मैं करने वाला हूं, इसमें से अगर आपने दो बातें भी प्रैक्टिस कर ली तो बहुत है, कुछ बदलेगा ना, थोड़ा सा ग्रो कर गए ना। सो क्या किया आपने? आपने प्रैक्टिस किया, मतलब कि जो भी आपने सीखा, जो भी आपने समझा, उसको आपने प्रैक्टिस किया। और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको दो तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, या तो अच्छे एक्सपीरियंसेस या बुरे एक्सपीरियंसेस। और इन दोनों एक्सपीरियंसेस से जब आप कुछ सीखते हो तो उसको बोलते हैं लर्निंग। ये है लर्निंग। इस लर्निंग की पूरी फाउंडेशन क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं? ऑब्जर्वेशन, कि अगर आपका माइंड, जिसको आप प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बोल सकते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि जब आप कुछ सीख रहे हो तो आपका माइंड पूरी दुनिया से हट करके उस जगह पर आ जाए, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरह से उस जगह पर हो, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर हो जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप सुन रहे हो, आपका सारा ध्यान वहां होना चाहिए। और स्कूल्स में क्या हो रहा है? कुछ अलग हो रहा है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं, कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं, अपना एग्जाम्पल। स्कूल में मेरी इतनी पिटाई हुई है, मतलब मैं इतना पिटा हूं शायद ही कोई पिटा होगा। अब तो शायद बैन कर दिया है ना स्कूल्स में मारना पीटना और ये सब बच्चों को। हाँ, तो मेरे टाइम में ऐसा नहीं था, मतलब खूब अच्छे से पिटाई हुई है। और मज़े की बात ये है कि मैं ना तो कोई शरारत करता था, ना कोई लड़ाई झगड़ा करता था, होमवर्क भी अपना टाइम पे करता था, मतलब स्कूल में कोई गलत काम नहीं करता था, फिर भी पिटाई होती थी। मेरी सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, सिर्फ एक, कि जब भी कोई बोरिंग क्लास चल रही होती थी तो मुझे उबासी आ जाती थी। मतलब टीचर कुछ पढ़ा रही है, देखा मेरे को उबासी लेते हुए बुलाया, बट गेट आउट। ये रोज का था। कई कई टीचर्स थी वो थोड़ी सी दयालु थी, तो वो सिर्फ कान खींचती थी, कोई पीछे से मारती थी, कोई बाहर ले जा करके खड़ा करती थी। तो ऐसी चीज़ें बहुत हुई हैं मेरे साथ में। तो धीरे धीरे मैंने क्या सीखा अपने इस एक्सपीरियंस से, कि भैया अगर पिटाई से बचना है तो वही करो जो बाकी के बच्चे कर रहे हैं, मतलब कि ढोंग करो उस टीचर को सुनने का। और वो कब हो सकता है? मतलब उस टीचर को ये नहीं लगना चाहिए कि आप बोर हो रहे हो, ये नहीं लगना चाहिए, उबासी नहीं आनी चाहिए। तो फिर मैंने क्या तरीका निकाला उसका, कि टीचर पढ़ा रही होती थी, मैं हाँ 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 कर रहा होता था और माइंड में कुछ और सोच रहा होता था, कहीं और अपने ध्यान को ले गया। मतलब टीचर पढ़ा रही है, टीचर खुश है कि अरे वाह ये तो मेरे को सुन रहा है, उसको क्या पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उबासी आना बंद, क्योंकि माइंड में कुछ मजेदार सी चीज चल रही है, स्पोर्ट्स के बारे में सोच रहा हूँ, खेलने के बारे में सोच रहा हूँ, टीचर अपना बोले जा रही है सामने से, ये हो रहा था। तो अल्टीमेटली मैं क्या सीख रहा था स्कूल में, कि किस तरीके से अपने माइंड को उस जगह से हटा करके जहां से आपको सीखना चाहिए कहीं और लेकर के जाना, इमेजिनेशंस की दुनिया में जाना है, ये हो रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर मैंने सीखा कहां से? एक बात तो पक्की है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है वहां से मैंने इतना नहीं सीखा जितना कहीं और से सीखा है। तो कहां से सीखा? वो मैंने सीखा स्पोर्ट्स से। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट स्पोर्ट्स इज द बेस्ट टीचर इन द होल वर्ल्ड, उससे अच्छा कोई टीचर नहीं। और यहां पर एक छोटा सा कन्फेशन है, मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रहा कि जो एजुकेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते इस दुनिया के अंदर। सर्वाइवल के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जिंदगी काटने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिंदगी जीने से इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। जिंदगी जीने के लिए जिंदगी को समझना इंपॉर्टेंट है, एक लर्निंग एटीट्यूड होना इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। तो अपनी उस स्पीच में, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और सारी ही कमाल की थी,
लेकिन एक बात उन्होंने कही वो थी कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में, कि डॉट्स को अगर आपको कनेक्ट करना है, डॉट्स क्या हैं, आपके लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो जब हो रहे होते हैं तब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। आज आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, आपको लग रहा होगा यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, चाहे कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, लेकिन आगे जा करके जब आप देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि अच्छा हुआ वो मेरे साथ में हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ होता तो आज मैं इस लेवल पे नहीं होता। होता ऐसा कि एक जॉब से निकाल दिया, उस टाइम पे बड़ा अजीब लगा कि यार ये क्या हो गया, मेरी जॉब चली गई, उसके बाद में उससे अच्छी जॉब मिल गई। होता ऐसा, ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ है, बहुत लोगों के साथ में हुआ है। तो ऐसे ही उन्होंने बात करी थी कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में, और कमाल की बात है उन्होंने ये कहा कि आप कभी भी अपने इन एक्सपीरियंसेस को, इन डॉट्स को फ्यूचर में देख करके कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब आगे देख करके इन डॉट्स को कनेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये जो हो रहा है इसकी वजह से फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो और फिर आप पीछे पलट करके देखते हो तो एक एक करके सारे डॉट्स जुड़ जाते हैं। कोई भी चीज बेकार के लिए नहीं होती, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, हम इस समय नहीं देख सकते, बाद में समझ आ जाता है। तो इसी तरह से जैसे उन्होंने ये बात कही, मैं भी अगर आज पीछे मुड़ करके देखता हूँ और अपने उन डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ तो मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसकी फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है। जब मैं करीबन 7 या 8 साल का था तब मेरे फादर ने मुझे गेम गिफ्ट करी, चेस। उसके बाद में मेरे सर पे ऐसा भूत सवार हुआ करीबन 7 या 8 साल के लिए, तब मेरी एज होगी करीबन 7-8 ईयर्स, उसके बाद में करीबन 14 से 15 साल की एज तक मैं डेली मिनिमम 2 से 3 घंटे चेस खेलता था, कभी अपने फादर के साथ, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में, और पागलों की तरह खेलते थे हम। मतलब कि क्या कर रहे हैं कि अगर शाम को खेलना शुरू किया, 3 घंटे हो गए और चेस की गेम बीच में अटकी हुई है, एंड में मेरी एक रानी रह गई, उसकी एक रानी रह गई, और बस उसी में लगे हुए हैं, या एक हाथी मेरा रह गया और एक राजा रह गया, उसका भी एक हाथी और एक राजा है, अब लड़ते रहो। तो क्या करते थे कि रात को 9 बज गए, उधर से मम्मी की डांट आनी शुरू हो गई कि बेटा सो जा, कल स्कूल जाना है, ये है वो है, उधर से डांट पड़ रही है। तो बड़े ध्यान से हम उस चेस को, गेम को उठाते थे और ले जा करके एक जगह पर रखते थे, और अगले दिन स्कूल से आने के बाद में 4 बजे वापस से उसी लेवल से वापस से गेम शुरू। उस टाइम पे जो चेस खेल रहा था, देखा जाए तो वो क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आज की डेट में हमारी सोसाइटी में, इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है, किस चीज़ की है कि आपको IIT में एडमिशन मिल जाए, IIMs में एडमिशन मिल जाए, आप पढ़ाई में टॉप कर जाओ, आप ये कर जाओ, आप वो कर जाओ। आप किसी को बोलोगे भैया अपने बच्चे को जा करके चेस खिलाओ, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लोग हंसेंगे, उन्हें क्या बोल रहे हैं, पागल है क्या। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लेयर के, कि हुआ क्या, ये चेस को खेल खेल करके कि जहाँ स्कूल में मैं अपने ध्यान को 5 मिनट के लिए भी एक क्लास में नहीं रोक पा रहा था, मतलब 90% से ज़्यादा क्लासेस में नहीं रोक पा रहा था, 10% क्लासेस ऐसी थी जहाँ पर ध्यान रुकता था, कुछ अच्छे थे, कुछ अच्छी क्लासेस भी थी। सो उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर चेस खेलते खेलते बाय डिफॉल्ट एफर्टलेसली खेल खेल में ऑब्जर्वेशन पावर्स अपने आप ही बढ़ गए। मतलब आप नहीं भी चाहोगे तो आपको अपने ध्यान को उस गेम में 2 घंटे तक 3 घंटे तक 4 घंटे तक लगा करके रखना ही पड़ेगा अगर आपको खेलना है तो, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। यह नहीं हो सकता कि आप सामने किसी के साथ में खेल रहे हो और माइंड में कुछ और सोच रहे हो, नॉट पॉसिबल। तो उससे क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन पावर्स बढ़ी। दूसरी चीज क्या बढ़ी, चेस एक ऐसी गेम है जिसके अंदर बोथ दी साइड्स ऑफ आवर ब्रेन, मतलब कि राइट ब्रेन एज वेल एज लेफ्ट ब्रेन, दोनों का काम पूरे तरीके से होता है। मतलब कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बढ़ गई, लॉजिकल थिंकिंग है वो बढ़ गई, दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो गया। और बिजनेस में और चेस में ज़्यादा फर्क नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब कि जो इंट्यूशन है वो बढ़ गई कि क्या करूँ अगला, जो स्ट्रैटेजी है वो भी बढ़ गई, वो पावर्स भी बढ़ गई, कॉन्सेंट्रेशन पावर्स बढ़ गई, ऑब्जर्वेशन पावर्स बढ़ गई, ध्यान को एक जगह पर एफर्टलेसली रोकना आ गया। तो यहां से ये मेरी फाउंडेशन है पूरी की पूरी, और बिना अपनी ऑब्जर्वेशन पावर्स के ऊपर काम किए
जिसको आप माइंड बोल सकते हो, बिना अपने माइंड को एक जगह पर टिकाए आप कोई भी काम करने निकल जाओगे, आप ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे बॉस। एक काम करोगे, एक फेलियर आया फिर हिल जाओगे, कोई प्रॉब्लम आई फिर घबरा जाओगे, कोई चीज सीखने जाओगे एकदम माइंड कहीं और भागने लग जाएगा। अपने माइंड को पूरी तरह से एक जगह पर रखना है और बड़ी से बड़ी मुश्किल आ रही है उसको बिना डर के फेस करना है। ये चीजें कहां से आएंगी? जब तक बॉडी माइंड और सोल इन तीनों का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये तीनों एक साथ काम नहीं करेंगे। आज जो हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर की फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे बंद होती जा रही है, टीवी इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल खेलना धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। इससे होगा क्या कि लाइफ में अगर कभी इन बच्चों को फिजिकली एक्सर्शन वाला कोई काम करना पड़ गया, क्या ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरी लाइफ की एक ऐसी स्टेज थी जब दिन में मिनिमम मैं 16 से 17 घंटे काम करता था, जब नया नया फोटोग्राफी का कोर्स किया था। निकला हुआ हूँ 6 बजे घर से निकल गया, रात को 12 बजे घर में घुस रहा हूँ, 10 बजे घर में घुस रहा हूँ, 11 बजे घर में घुस रहा हूँ, लगा हुआ हूँ 4 किलो का कैमरा उठाया हुआ है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई थकान नहीं। आप ये कह सकते हो कि दर्दें थी, थकान नहीं थी, क्योंकि आदत थी भाई, आदत थी। उस चीज की प्रैक्टिस ऑलरेडी मैं बचपन में अनजाने में कर चुका था हजार बार। क्रिकेट के हमारे मैचेस होते थे, आप में से कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? तो क्रिकेट के हमारे मैचेस होते थे। ये बड़ा एक मजेदार सा इंसिडेंट है कि सुबह 6 बजे हम निकलते थे मैच खेलने के लिए। सुबह 6 बजे मैच होता था, जैसे हमारा एक ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक है, दो ब्लॉक के बीच में एक मैच हो रहा है। मैच खत्म हो गया 9-10 बजे के करीब, उसमें से सिर्फ 10 बजे के करीब 8 लोग रह गए, उनको भी मैं जबरदस्ती रोक लेता था। मैंने कहा यार थोड़ी देर और खेलते ना, 1 घंटे में क्या जा रहा है, 2 घंटे में क्या जा रहा है, खेलते ना। तो उसमें से बाकी लोग चले गए, सिर्फ 8 लोग बचे। अब हम खेल रहे हैं, बड़ा सा ग्राउंड है, प्रॉपर लेदर की बॉल है, विकेट्स लगी हुई हैं और पैड वैड लगाए हुए हैं और खेल रहे हैं बड़े ग्राउंड में, सिर्फ 8 लोग, मतलब 4-4 लोगों की टीम बनी हुई। उसके बाद में करीबन 1:30 बजे, और आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या सिचुएशन होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ अपनी समर वेकेशंस की, और दिल्ली में मई जून के महीने में कितनी गर्मी होती है वो आप समझ सकते हो, कि टेम्परेचर है 45 डिग्रीज और हम खेल रहे हैं। उसके बाद में 1:30 बजे के करीब करीब में ऑलमोस्ट सब चले जाते थे, कोई टिकने को तैयार ही नहीं होता। तो मैं बड़ी कोशिश करता, मैं कहा अभी रुक तो सही, थोड़ा और खेलते हैं ना, थोड़ा और खेलते हैं। और जहाँ से भी कुछ आ रहा है खाने के लिए, कहीं से शकरकंदी वाला आया, कहीं से वो आया दाल मोठ वाला आया, कहीं से कोई कुल्फी फलूदे वाला आया, तो खाए जा रहे हो जिससे कि एनर्जी मिलती रहे। बीच बीच में खा रहे हैं खेल रहे हैं, खा रहे हैं खेल रहे हैं। 1:30 बजे के करीब सब चले आते थे, कोई नहीं बचता था। तब मैं जबरदस्ती एक अपने दूर के दोस्त को, दूर का वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि ज़्यादा पास का दोस्त नहीं था, दूर का था, किसी दूसरे ब्लॉक का था, उसका असली नाम मुझे अभी भी याद नहीं है, उसको सब चड्डी कहते थे, मतलब प्यार से हम उसको चड्डी कहते थे। तो अब मैं और चड्डी अकेले हैं पार्क में, मैं और मेरा चड्डी, मेरी चड्डी नहीं मतलब वो, तो हम दोनों अकेले हैं पूरे पार्क में। इमेजिन करो क्या सिचुएशन होगी, कितनी धूप होगी उस टाइम पे मई जून के महीने में, और बड़ा ग्राउंड है, कोई छोटी जगह पे नहीं खेलना था हमको। ये नहीं कि घर में जाकर के वरांडे में खेलो, मजा ही नहीं आएगा, फायदा ही नहीं है, क्या खेलना है छाव में जा करके, धूप में खेलेंगे ना, आने दो सूरज को, देखा जाएगा। और उसके बाद में वहाँ पे हम खेल रहे हैं, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, वो चड्डी सामने से बॉलिंग कर रहा है। वो भी क्यों रुकता था, इसके पीछे भी एक कहानी है कि हम लोग शर्त लगा के खेलते थे, बंटा की शर्त। बंटा एक होती है ना कांच की बोतल, मतलब उसमें कंचा होता है, उस टाइम पे 2-2 रुपए की आती थी। तो हम शर्त लगाते थे, 6-6 ओवर का मैच होता था मेरा और चड्डी का, जिसमें मुझे पता था कि मैं हारूंगा, उसको पता था कि वो जीतेगा, फिर भी मैं खेलता था। मैं कहता था 2 रुपए में 3 घंटे खेलने को मिल रहा है, क्या बुराई है। तो उधर से 2 रुपए की बंटा की वजह से वो खुश, क्योंकि वो मुझसे एज में बड़ा था, मेरे से अच्छा खेलता था, उधर से वो खुश, इधर से मैं खुश, मुझे खेलने को मिल रहा है, मुझे लर्निंग मिल गई, उसको अर्निंग मिल गई, दोनों का अपना अपना काम हो गया ना, डील कंप्लीट, सिंपल। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, अब हम खेल रहे हैं, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, वो बॉलिंग कर रहा है, और पूरा पसीने भीगे पड़े हैं, मतलब क्या हालत थी कमाल की। वो बंदा भागता, और बॉलिंग भी ऐसे नहीं कि स्पिन करा रहे हैं ना, पेसर फुल पेस, बंदा दूर से भागता हुआ आ रहा है, चड्डी भागता हुआ आया, इधर मैं बैटिंग कर रहा हूँ, उसने डाली वाइड बॉल, अब ग्राउंड में पीछे दूर दूर तक कोई नहीं,
तो रूल क्या था हमारे इस गेम का? रूल ये था कि अगर विकेट्स के पीछे जाएगी तो बैट्समैन जाकर के बॉल लेकर के आएगा, और अगर विकेट के उस तरफ जाएगी तो वो बॉलर जाएगा बॉल लेकर के। तो अगर मैंने मारा तो मैं कोशिश करता था उसकी वाइड ना ही बढ़े, वाइड भी जाने का देते थे, ले भाई जा तू अब भाग। तो एक 6 ओवर का मैच हमारा कम से कम 3 से 4 घंटे चलता था, कम से कम, क्योंकि कभी मैं वहां भाग रहा हूँ, कभी वो वहां भाग रहे हैं। ला रहा हूँ यार बॉल, ला रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बॉल लाया, ले भाई, चल करा भाई, चल ले भाई, और वो भाग रहा है, कभी वो उधर भाग रहा है, कभी मैं इधर भाग रहा हूँ, फिर मेरी बॉलिंग आ गई, उसकी बैटिंग आ गई। तो ये हमारी गेम होती थी। इस खेल का क्या फायदा हुआ, इस जुनून का क्या फायदा हुआ कि भाई आज भी मेरी लाइफ में ये एक्सपीरियंसेस वेस्ट नहीं जाते, ये सब मेमोरी में पड़े हुए हैं, मेरी बॉडी की जो मेमोरी है, मेरे माइंड की जो मेमोरी है, उसमें सब फीडेड है। आज आप मुझे कहो नॉन स्टॉप 16 घंटे तक डेली काम करना है, बिना थके बिना रुके, और एक ऐसा काम जो बिल्कुल बोरिंग है, मैं वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। इंटरेस्टिंग की तो आप बात ही छोड़ दो, मैं इंटरेस्टिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल बोरिंग काम क्यों हो पा रहा है ये चीजें? ऑब्जर्वेशन पावर्स, लर्निंग एटीट्यूड, सीख लूंगा ना, बोरिंग है तो क्या हुआ, इंटरेस्टिंग बना लूंगा ना, टिक जाऊंगा ना, मैं ये सोच लूंगा कि मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पावर्स को बढ़ाने की लर्निंग चल रही है। अगर बोरिंग जगह पर हमको अपने माइंड को टिकाना आ गया तो इंटरेस्टिंग जगह पर टिकाना तो खेल है ना भाई। तो सिंपल, एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया तो पैसे का क्या है, जितना मर्जी कमा लो, कोई रोक सकता है आपको? अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस को अचीव कर चुके हो, बिजनेस में एक एक्सीलेंस को अचीव कर चुके हो, आप कोई भी बिजनेस कर लो ना। तो अब तक मैंने जो कुछ भी कहा, अगर उसको समअप करना हो तो वो ये है कि जिंदगी में 3 रास्ते हैं, और इन 3 रास्तों में से आप किस रास्ते पर चलोगे वो चॉइस सिर्फ आपकी है, वो डिसीजन आपके लिए, आपके सिवा और कोई नहीं ले सकता। पहला रास्ता जो गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है वो है डर का रास्ता, फेलियर का डर। बड़ा खतरनाक रास्ता है ये, और बहुत लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं, कुछ नहीं है वहां, फेलियर ही फेलियर है, जीते जी मर जाओगे, जो करना चाहते हो अगर वो ही नहीं किया तो क्या फायदा है जिंदगी का, सिर्फ जिंदगी कटेगी, जी नहीं पाओगे। ये एक रास्ता है, चूज करना है, आपकी चॉइस है। एक दूसरा एक्सट्रीम है लालच का रास्ता, कि फटाफट से बस गेट रिच क्विक, कि फटाफट से अर्निंग आ जाए कहीं से भी, सीखना ना पड़े। ये क्या बोरिंग काम बता रहे हो, सीखना पड़ेगा, अरे भाई इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे। फटाफट से 6 महीने में किसी कंपनी में जाकर के पैसा लगाऊं 50,000, 6 महीने बाद 1,00,000 रुपए मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, अरे मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ये एक रास्ता है, इसको बोलते हैं फोकस ऑन अर्निंग, लालच का रास्ता। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक सिंपल सा रास्ता है जो गारंटीड सक्सेस की तरफ जा रहा है, वो है लर्निंग का रास्ता, सीखने का रास्ता, खेल का रास्ता, खिलाड़ी बनने का रास्ता, भिखारी बनने का नहीं, भिखारी बनने का नहीं, ये मिल जाए वो मिल जाए, अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो, और होगा क्या कि जैसे ही आप इस रास्ते पर चलोगे, चलते चलते आपको पता भी नहीं लगेगा, और सच बता रहा हूं पता भी नहीं लगेगा कि कब आप एक नॉर्मल बीइंग से सुपर ह्यूमन बन जाओ, पता भी नहीं लगेगा, मैजिशियन बन जाओगे, जादूगर, दुनिया के लिए जो एक जादू के जैसा होगा आपके लिए खेल होगा, खेल। ध्यान से देखो अपने आसपास में जो भी लोग जिस भी फील्ड में सक्सेसफुल हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या वो जादू नहीं है? जादू है। ए आर रहमान का म्यूजिक सुनो, कई बार हुआ है आप लोगों के साथ में म्यूजिक सुन रहे हो, सुनते सुनते खो गए और बाहर आए, कहीं कमाल है यार, ये क्या है, ये इट्स प्योर मैजिक, मैजिक। किसी सिंगर की आवाज सुन रहे हो, लता मंगेशकर की, किसी की भी, सुनते 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 एकदम से खो गए, बाहर आए, आकर के कहा यार मैजिक, ये क्या हुआ मेरे साथ में, ऐसा कैसे हो सकता है, एक आवाज ही तो है, एक गाना ही तो है, ये मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो गए,
ये मेरी ऐसी हालत क्यों हो गई, क्या हो रहा है, ये होता है। क्रिकेट का मैच देख रहे हो, महेंद्र सिंह धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए देखा और कहा मैजिक, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, ये आता है माइंड में किस प्योर मैजिक, मन करता है बार बार देखने का, मन करता है। किसी एंटरप्रेन्योर को देख रहे होते हो बड़े लेवल पे बिजनेस करते हुए, अंदर से क्या आवाज आती है, मैजिक, कमाल है यार। जैसे मेरे साथ होता था, जब मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया तो उस टाइम पे जैसे ही मैं किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कहानी पढ़ता था, मतलब कि उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता था या उनकी बातें सुनता था या जो उन्होंने लिखा है सक्सेस के बारे में वो पढ़ता था या उनके बिजनेस को देखता था कि किस तरह का वो बिजनेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे इतनी बड़ी टीम को मैनेज कर रहे हैं, तो मेरे अंदर से आता था, मैंने कहा यार ये बंदा है या क्या है कि मेरे से तो छोटी छोटी चीज़ें मैनेज नहीं होती और ये इतनी चीज़ें मैनेज कर रहा है, इतनी बड़ी टीम को मैनेज कर रहा है। मेरे से तो अपने घर में अपनी फैमिली मैनेज नहीं होती, अपनी वाइफ मैनेज नहीं होती, बच्चे मैनेज नहीं होते और ये हजारों लोगों की टीम मैनेज कर रहा है, कर क्या रहा है, ये हजारों काम कर रहा है, कैसे कर पा रहा है, किसी इंसान के लिए कैसे पॉसिबल है, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, कैसे कर दिया, स्क्रैच से, आता है माइंड में, मेरे माइंड में बहुत आता था। लेकिन आज जब उन सारे स्टेजेस को मैं क्रॉस कर चुका हूं तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप सबको ये बात बोल सकता हूं, और हो सके तो इसको अपने अंदर तक जाने देना कि मैजिक वैजिक नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है मैजिक नाम की, सिर्फ खेल है। और हम सब आप भी और मैं भी इस दुनिया में चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग खेल खेल रहे हैं, हम सब खिलाड़ी हैं, अलग अलग फील्ड्स के खिलाड़ी हैं, बस फर्क क्या है, किसी खिलाड़ी की ऑब्जर्वेशन पावर्स थोड़ी सी कम डेवलप हुई है क्योंकि उसने उस पर कम काम किया है, किसी ने ज्यादा काम किया है तो उसकी ऑब्जर्वेशन पावर ज्यादा डेवलप हो गई, जिस वजह से वो उन चीजों को देख पा रहा है जो और लोग देख करके भी नहीं देख पा रहे, और वो उन चीजों को कर पा रहा है जो और लोग करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि वो उसको देख ही नहीं पा रहे। दूसरा फर्क क्या है, किसी खिलाड़ी की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा है और किसी की बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। एक मैजिशियन 2 मिनट की ट्रिक दिखाता है जिसको देख करके लोग बोलते हैं भैया कमाल है, मैजिक है, मैजिक है, उस ट्रिक के लिए कितने साल उसने लगाए हैं उसको परफेक्ट करने के लिए वो कोई नहीं जानता, वो किसी को नहीं पता, ऐसा बकवास है, मैजिक वैजिक नाम की कोई चीज नहीं है। मेरी एक बात है जो अगर हो सके तो अपनी गांठ बांध लो कि अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, अपने अंदर से करना चाहते हो, और उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो।